कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन किए जाने वाले धार्मिक कर्मकांड इस प्रकार हैं। पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल जागकर व्रत का संकल्प लें और किसी पवित्र नदी सरोवर कुंड में स्नान करें। इस दिन चंद्रोदय पर शिवा, संभूति, संतति, प्रीति, अनसुईया और क्षमा इन छह कृतिकाओं का पूजन अवश्य करना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा की रात्रि में व्रत करके बैल का दान करने से शिवपद प्राप्त होता है। गाय, हाथी, घोड़ा, रथ और घी आदि का दान करने से संपत्ति बढ़ती है। इस भेड़ का दान करने से ग्रहयोग और कष्टों का नाश होता है। कार्तिक पूर्णिमा से प्रारंभ होकर प्रत्येक पूर्णिमा को रात्रि में व्रत और जागरण करने से सभी मनोरथ सिद्ध होते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का व्रत रखने वाले व्रती को किसी जरूरतमंद को भोजन और हवन अवश्य कराना चाहिए। इस दिन यमुना जी पर कार्तिक स्नान का समापन करके राधा कृष्ण का पूजन और दीपदान कराना चाहिए। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा पर संध्या के समय भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार हुआ था। इस दिन गंगा स्नान के बाद दीपदान का फल 10 यज्ञों के समान होता है। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, अंगिरा और आदित्य ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान, दीपदान, होम यज्ञ और ईश्वर की उपासना का विशेष महत्व है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली पूर्णिमा को कार्तिक पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन महादेव जी ने त्रिपुरासुर नामक राक्षस का संहार किया था, इसलिए इसे त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। यदि इस दिन कृतिका नक्षत्र हो तो यह महा कार्तिक की होती है। वहीं भरणी नक्षत्र होने पर इस पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। रोहिणी नक्षत्र की वजह से इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पुरातन काल में एक समय त्रिपुर राक्षस ने 1,00,000 वर्ष तक प्रयागराज में घोर तप किया। उसकी तपस्या के प्रभाव से समस्त जड़ चेतन जीव और देवता भयभीत हो गए। देवताओं ने तप भंग करने के लिए अप्सराएं भेजी, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिल सकी। त्रिपुर राक्षस के तप से प्रश्न होकर ब्रह्मा जी ने स्वयं उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा। त्रिपुर ने वरदान मांगा कि मैं ना देवताओं के हाथों मरूं ना मनुष्य के हाथों से। इस वरदान के बल पर त्रिपुर निडर होकर अत्याचार करने लगा। इतना ही नहीं, उसने कैलाश पर्वत पर भी चढ़ाई कर दी। इसके बाद भगवान शंकर और त्रिपुर के बीच युद्ध हुआ। अंत में शिव जी ने ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु की मदद से त्रिपुर का संहार किया। दोस्तों, हम अपने इस चैनल न्यू इन्वेस्टिगेशन 007 के जरिए आप तक नई नई और अच्छी जानकारियां पहुंचाने की कोशिश करते हैं। इसलिए आपके द्वारा एक लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट या शेयर करने से हमें और नई वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर ज़रूर करें ताकि कोई भी नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।